नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टेक गैजेट पर। और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे यूनिक ड्रोन्स के बारे में जो आपको वाकई काफी ज्यादा पसंद आएंगे। क्योंकि दोस्तों ड्रोन्स उड़ाना हम सभी को काफी ज्यादा पसंद होता है। ड्रोन्स को हम न सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट पर्पस उड़ाते हैं, बल्कि ये काफी ज्यादा मल्टीपर्पस भी होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम सिक्योरिटी पर्पस, वीडियोग्राफी पर्पस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपके इस एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा खास बनाते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। तो जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वॉलीरो हेक्साकॉप्टर। दोस्तों आजकल ऐसे काफी सारे ड्रोन्स अवेलेबल हैं जो कि 4 प्रोपेलर पर वर्क करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा ये गैजेट आपको मिलता है 6 प्रोपेलर के साथ, जो कि आपको देता है ऐसे काफी सारे एडवांस फीचर जो कि किसी नॉर्मल ड्रोन में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें इनबिल्ट होते हैं 6 प्रोपेलर जो कि इसे शानदार कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी देते हैं। इसकी मदद से आप काफी सारे एयर स्टंट्स भी कर सकते हैं। इसके प्रोपेलर्स को बनाया गया है खासतौर पर 360 रोटेशन पर, यानी कि आप इस ड्रोन को 360 डिग्री तक मूव करा सकते हैं। ईगन एयरशिप्स। दोस्तों वैसे तो एयरशिप का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पुराना है, लेकिन आजकल ड्रोन्स की एरा में ये एयरशिप्स काफी ज्यादा कम देखे जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा ये गैजेट खास तौर पर बनाया गया है आपके एयरशिप डिजाइन पर, जो कि एक फुली प्रोग्रामेबल एयरशिप होता है और आप इसे बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं हैंड जॉयस्टिक से। ये काफी ज्यादा लाइट वेट होता है और इसमें इनबिल्ट होते हैं ब्लेड प्रोपेलर्स जो कि इसे लिफ्ट ऑफ करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं। इस ड्रोन को खासतौर पर डिजाइन किया गया है एडवर्टाइजिंग एंड पेलोड पर्पस, जिसकी वजह से इसके अपर पोजीशन पर एक बलून को सेटअप किया गया है। इसमें लगभग 8 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। 86 माइल पर आवर पर इसका फ्लाइंग टाइम 3 आवर्स का एंड 65 माइल पर आवर पर इसका फ्लाइंग टाइम 5 आवर का होता है। ये अपने डिफरेंट लुक होने के कारण काफी ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव भी लगता है। एस मैट ड्रोन। दोस्तों नॉर्मली एक बार टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए किसी भी तरीके के रनवे का इस्तेमाल नहीं करती है, वो अपने पंखों का इस्तेमाल करके बहुत ही इजीली टेक ऑफ और लैंड कर सकती है। तो दोस्तों इसी तर्ज पर बनाया गया है हमारा ये खास ड्रोन, जो कि एक बर्ड की तरह बहुत ही आसानी से किसी भी रफ सरफेस पर टेक ऑफ एंड लैंड कर सकता है। इस गैजेट का खासतौर पर इस्तेमाल इंस्पेक्शन पर्पस किया जा सकता है, या ऐसी काफी सारी जगह होती है जहां हम अपने किसी भी यूएवी को टेक ऑफ एंड लैंड नहीं करा सकते हैं, वहां पर हम आसानी से इसे किसी भी सरफेस पर लैंड करा सकते हैं। दोस्तों इसकी बॉडी पर काफी सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि लैंडिंग के समय इसकी मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देते हैं, और टेक ऑफ के समय इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके हमारा ये ड्रोन बहुत ही इजीली लिफ्ट ऑफ करता है। एरोन्स ड्रोन्स। दोस्तों आजकल काफी सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका फ्रंट मॉडल ग्लास का बना होता है, जिसकी क्लीनिंग के लिए हम काफी सारी एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा ये गैजेट खास तौर पर डिजाइन किया गया है बिल्डिंग के ग्लास की क्लीनिंग पर्पस। इसमें 4 प्रोपेलर लगे होते हैं जो कि काफी हैवी लोड को कैरी कर सकते हैं। इसके फ्रंट साइड इनबिल्ट होती है स्प्रे नोजल्स, जिनका इस्तेमाल करके हम ग्लास को बहुत ही आसानी से स्प्रे क्लीन कर सकते हैं। आप इसके कंट्रोलर्स की मदद से इसमें वाटर प्रेशर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये ड्रोन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि 200 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। ओरा ड्रोन। दोस्तों नॉर्मली तो आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी ड्रोन को जॉयस्टिक या किसी मोबाइल या टैबलेट की मदद से, लेकिन हमारा ये खास ड्रोन कंट्रोल होता है आपके हैंड मूवमेंट से। ये बेहद एडवांस एंड जेस्चर कंट्रोल ड्रोन होता है, जिसके कंट्रोलिंग ग्लव्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं आपके हैंड मूवमेंट्स को, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इस ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट होता है सिंगल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बटन, जिसकी मदद से ये बहुत ही आसानी से टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है। आप इसकी मदद से बहुत सारे फ्लाइंग स्टंट्स भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये गैजेट, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक अवेलेबल है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।